Assalamu alaikum ji, method of experimental physics, chautha chapter hai, conductance, pumping speed and pumping processes ka. Hamara aaj ka topic hai molecular flow through the short pipes. Isse pehle hum long pipe mein pad chuke hain, to hum kahenge jo serious difficulty thi jo humne conductance long pipe ki nikali thi, wo hamara assumption tha jisme humne dekha tha ki aapke paas ke wo bahut zyada lengthy nahi hoga, particularly pipe jo typical size ke use hote hain vacuum technology mein, usme length aur diameter takriban given barabar hota hai. तो अगर हम L जीरो कर दें इस केस में तो ये तो पूरे फैक्टर को आप कहेंगे इनफाइनाइट कंडक्टेंस कर देगा, यानी जितनी छोटी लेंथ होती जाएगी कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, और अगर L जीरो होगा तो कंडक्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी. तो ऐसे केस में हम अपर्चर कंडक्टेंस जो हमने पिछले टॉपिक में निकाली वो डिस्कस करेंगे. तो 1922 में हम कहेंगे कि जो शॉर्ट पाइप प्रॉब्लम था उसे एड्रेस किया गया कंडक्टेंस की एंट्रेंस अपर्चर से. वो हम कहते हैं कि सी अपर्चर आर नॉट टी टू पाई एम ए, इसको इन सीरीज माना गया पाइप की कंडक्टेंस के साथ इसके साथ. तो एसेंशली हम कह सकते हैं आर्गुमेंट के जो मॉलिक्यूल जो हमने पाइप की एंट्रेंस पे हमने देखना है प्रोसीड करते आगे की तरफ, तो मॉलिक्यूल उसकी कंडक्टेंस अगर हमने निकालनी हो तो सी बराबर आ जाएगा सी ए प्लस सी एल सी ए, यानी जो सीरीज में आने की वजह से रेसिप्रोकल करके ऐड कर लेंगे. अब सी ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, ये फैक्टर सी एल ओवर सी ए हमने अल्फा के तौर पर पढ़ा था, और इस सारे की वैल्यू हम जानते हैं 4d/3l होती है. तो अल्फा डी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये अब हम जो पढ़ रहे हैं ये डायमीटर के लिए पढ़ रहे हैं, तो सी बाई सी एल इस सारे की वैल्यू नीचे लग जाएगी इस सारे के केस में. तो अब आपके पास ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी जो सर्कुलर पाइप के लिए है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स में आपको दिखाई गई है. यहाँ पे अल्फा क्लोजिंग है, अल्फा कोल है, अल्फा डुश्मन है. एरर इसमें दिखाई गई है कि जब आपके पास एल ओवर डी की रेशियो जीरो आएगी तो ये सारे 1 1 1 हो जाएंगे, कोई एरर नहीं आएगा. इसी पैटर्न पे आपको ये टेबल्स बता रहा है कि किस तरह ट्रांसमिशन प्रॉब्लम होगी सर्कुलर पाइप के अंदर. तो ये हमारा आज का टॉपिक था. अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अब तक के लिए इतना ही, बच्चे इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़.